राज्यसभा का सफर तय कर लोकसभा पहुंचे हैं आप कहेंगे सांसद अनिल देसाई जी, बहुत बहुत मुबारक हो सर, एक बहुत बेहतरीन जीत के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यस सर, कैसे देख रहे हैं सर इस जीत को और भाजपा की हार कहेंगे इसे? जिस तरह का माहौल था, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, जिस तरह के नारे लगाए जा रहे थे कि पूरे देश में 400 पार हो जाएंगे, अब की बार 400 पार वगैरह के थे, लेकिन ज़मीनी हालात कुछ और थे, लोगों में परेशानियां थी, नौजवान चाह रहे थे कि भाई हमने नौकरियां हमको मिलनी है, परेशानी महंगाई की थी, लोगों के मसले वहीं रह गए थे 10 साल में, और यहाँ पे नारे लग रहे थे 400 पार, इस तरह से बातें की जा रही थी कि भारत की जो विकास की गति है आसमान को छू रही है, लेकिन ये सच नहीं थे, हकीकत कुछ और थी। और लोगों ने जिस तरह से देखा, आप लोगों ने कई स्टेट्स में, जैसे कि यूपी में ही आप अगर देखेंगे तो लोगों ने सीधे नकारा है, क्योंकि लोगों ने ये बता दिया है कि आप नारों के सहारे यहाँ पे हकीकत नहीं बदलती, आपको ज़मीन पर उतरकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना ज़रूरी है। और जिस उम्मीद से, जिस अपेक्षा से लोगों ने आपको मतदान किया था, आपको लोगों ने चुन कर दिया था, प्रतिनिधि के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि उनकी समस्याओं पर खरा उतर आए, लेकिन ये बात हुई नहीं, और फिर लोग परिवर्तन चाहते हैं, और काफ़ी परिवर्तन आपने देखा हुआ, 400 तो दूर रह गया, 300 के करीब भी नहीं आना, 250 तक भी जाना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये भारत का लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, लोग जिसमें मानते हैं, और साधारण में साधारण आदमी को जो मतदाता करके जो हक भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया है, वो इतना कुछ बता देता है कि अगर आप लोग, साधारण लोग चाहेंगे तो एक एक चुनाव, एक एक मत आपका जो अधिकार है उसका आप निर्णय करें, और सही प्रतिनिधि चुन के आपको सदन में पहुंचना है, लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, या नगर निगम के चुनाव में हो, तो आपकी आवाज़ बुलंद करनी है, कुछ प्रतिनिधि का जो आप चयन करेंगे वो ठीक से करना बहुत ज़रूरी है। पार्टी हमारे महाराष्ट्र में जिस तरह से बात करेंगे, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने इस शिवसेना को जिस तरह से सींचा था, बाला साहेब ठाकरे जी जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे, जिन्होंने शिवसेना का निर्माण किया, एक परिवार निर्माण किया था, लोगों के बहुत अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पे खरा उतरकर बाला साहब जी ने जो महाराष्ट्र को प्रगति पथ पर ले गए, उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित किया हुआ था। तो ये सब बातें उद्धव जी भी उसी तरह से आगे ले जा रही थी, बहुत महाराष्ट्र अच्छी तरह से चल रहा था, महाविकास आघाड़ी की सरकार काम कर रही थी 2019 से, उसके बाद 2 साल में जो कुछ षड्यंत्र रचा गया जिससे महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के लोगों को अनुभव नहीं था, कभी उससे वाकिफ नहीं थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा धक्का था, बहुत बड़ा एक सदमा था, और वहीं पे लोगों ने तय किया था कि चुनाव आते ही हम इनको सबक सिखा देंगे। शायद ये सबक का ही सर सबक कहेंगे कि 400 पार तो बहुत दूर की बात है, अयोध्या पार नहीं कर पाई बीजेपी, ये बहुत बड़ा शायद धक्का कहेंगे या एक सबक कहेंगे भाजपा के लिए, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप जिस तरह से बातें होती रही, हिंदुत्व का प्रचार भी होता रहा, हर धर्म के लोग यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में, यहाँ पूरे देश भर में, यूपी में कहिए, हर स्टेट में कहिए, हर वो आदमी जानता है कि भाई हमारा धर्म क्या है, और यहाँ पे सदियों से विविधता में एकता जो कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसके लिए भारत की पहचान है पूरे दुनिया भर में, तो उसके ऊपर चलना, उसके तहत काम करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन लोगों में विवाद खड़े कर देना, समाज में विवाद खड़े कर देना, लोगों को एक दूसरे के बारे में भड़कना, इस तरह से जो नेतागिरी या इस तरह की जो बातें हो रही थी, जो लोगों ने जिसको नकारा है पूरा, और ये अयोध्या कहिए कहीं पे भी, वहाँ पे लोग महंगाई से जूझते हैं, वहाँ पे लोग बेरोज़गारी से, नौजवान परेशान हैं, वहाँ पर सुविधाएँ नहीं हैं, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, लोग तंग आ गए हैं, और वहाँ पे आप पहले इन बातों को ठीक कीजिए, मेरे घर में मेरा चूल्हा कैसे जलेगा, कि कैसे होगा, मेरे घर में खाना कैसे पकेगा, ये आज की गृहिणी सोच रही है, आज का जो नौजवान है या कोई मर्द है जो घर का, वो ये सोचता है मेरे घर का कर्तव्य मैं कैसे पूरा, मेरी जिम्मेदारी है मैं कैसे निभाऊँ, बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों की सेहत के लिए, बड़े बूढ़ों के सेहत के लिए क्या सार्वजनिक व्यवस्था है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है,
इन चीज़ों को छोड़ के कहीं दूसरे रास्ते पर ले जाना, लोगों ने इसको नकारा है। और यही मैं ये कहूँगा कि ये देखते हुए अब जो भी सरकार जहाँ पे रहेगी वो ये पहले सोचेगी कि भाई जनता के लिए काम करो तो जनता ठीक रहेगी। लोकतंत्र और प्रजातंत्र को मजबूत रखना है, भारतीय संविधान से कभी छेड़छाड़ करने की बात कोई कहेगा नहीं, और ठीक से भारत को आगे बढ़ना है। जाहिर सी बात है सर, धर्म जाति की अब बात से ऊपर उठ के मतदाता विकास के नाम पे वोट डाल रहा है। बात करेगा महाराष्ट्र की तो वोटिंग सबसे कम हुई है, पर अब आपका क्या टारगेट रहेगा कि अपने क्षेत्र में आप क्या कोई ऐसी जो कमियां हैं, जो खामियां हैं जो पिछली सरकार पूरी नहीं करी, आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी सर? जरूर मेरी प्रायोरिटी रहेगी। महाराष्ट्र में मतदाता ने ये देखा, पहली बात तो 5 चरण में जो चुनाव किए गए वही बहुत बड़ी गलती थी। महाराष्ट्र में 5 चरण में चुनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कई स्टेट्स में लोग ये कहते रहे कि कहां से कहां तक आप ले गए, 19 अप्रैल से लेके आप 1 जून तक इतनी बड़ी इतने बड़े चरणों में, 7 चरणों में आप ये मतदान प्रक्रिया जो ले रहे हैं, इलेक्शन प्रोसीजर दैट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, ये इतनी ये करने की ज़रूरत नहीं। चुनाव आयोग से भी मैं यहाँ पे आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए। और लोग जो चाहते हैं, आखिरी जो बात रहेगी वो लोगों की रहेगी। प्रजातंत्र में जनता सर्वश्रेष्ठ है, नेता नहीं। वहाँ पे उसी को नेता चुनेंगे, उसी को सर पर लेगी जनता, जो जनता की अपेक्षाओं, जनता की समस्याओं के लिए खड़ा रहेगा। सर, शिवसेना हमेशा राजनीति से उठ के राज्य के नीति के ऊपर बात करती आई है, काम करती आई है, तो इस बार भी हम महाराष्ट्र में अब राज्य नीति की बात करेंगे बजाय राजनीति। बिल्कुल, आपने देखा होगा उद्धव जी के कार्यकाल में जहां कोरोना जैसी महामारी आई थी, मुंबई को, महाराष्ट्र को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने संभाला। जहाँ उनकी आलोचना की जा रही थी, जहाँ नारे लग रहे थे ये क्या करेंगे, ये तो इनको तो कोई अनुभव नहीं है राजनीति का, लेकिन राजनीति से परे रहकर उन्होंने जो एक समाज के लिए नीति अपनाई, लोगों के लिए नीति अपनाई, वही नीति लोग चाहते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से उद्धव जी ने काम किया, उद्धव जी का नेतृत्व तो इतना उभर कर आया है कि आने वाले दिनों में जो भी चुनाव महाराष्ट्र में होंगे आप देखेंगे उद्धव जी वहाँ पे नेता रहेंगे, उद्धव जी लोगों के दिल में बसे हैं। हम जीत गए हजारों से, कह दो उन गद्दारों से हम जीत गए हजारों से, कह दो उन गद्दारों से हम जीत गए हजारों से। सही साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सही साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तुम से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तुम से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सही साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सही साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आरती कर दीजिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।